जय गुरुदेव। स्वामी बने तांत्रिक और सात्विक महाशक्तियों के घर पर ही क्रिया करके, क्या आप ऐसी शक्तियां चाहते हैं जो खुद ही आपकी सुरक्षा और आपके मनोभाव को समझकर आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकें? मतलब जब भी आप पर कोई संकट आना हो तब वो शक्ति खुद ही एक्टिवेट हो जाए और आपका बाल भी बांका न होने दे। यानी सात्विक और तांत्रिक शक्तियों का एक ऐसा शक्तिशाली योग जिससे आपको चाहे संकट का पता हो या न हो, लेकिन वो महाशक्ति खुद ही एक्टिवेट हो जाए और बर्बाद कर दे उस अटैक को या संकट को। अगर कोई तांत्रिक या अघोरी आप पर किसी प्रेतात्मा का अटैक करे या काला जादू करे, तब वो शक्ति आपकी सुरक्षा तो करे लेकिन खुद इतनी पावरफुल हो कि वो तांत्रिक का अटैक वापस उसी पर कर दे। क्योंकि होता क्या है, आपको पता चलता है तब तक तो देर हो चुकी होती है, यानी अटैक हो चुका होता है। संकट आपकी जान माल का बहुत नुकसान कर चुका होता है और तब आप उपाय करते हैं। ऐसी अवस्था में उस संकट का आप पर कब्जा होता है और तब अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसको पूरा या सफल नहीं होने देता। इसलिए जरूरी है कि आप पहले से ही उस शक्ति का आवाहन करें, उसे धारण करें। विधि जो करनी है आपको ध्यान से सुने। आपका जो भी इष्ट है आप उसी का जप कर सकते हैं। अगर कोई इष्ट आपने सुनिश्चित नहीं किया है तो आप ओम ह्रीम का जप करेंगे। एक क्रिया का ध्यान रखना है, रात को 10 बजे या उसके बाद ये विधि आपको करनी है। कम से कम समय आपको 1 घंटा जरूर देना है, इससे ज़्यादा देंगे तो वो सर्वोत्तम रहेगा। आप 10 बजे तक नहा धोकर स्वच्छ होकर फ्रेश हो जाएं। एक लोटा जल ले लें, सरसों के तेल का दीपक तैयार कर लें, 2 लौंग आपको चाहिए। ये आपको सुनिश्चित करना है कि दीपक में इतना तेल जरूर हो कि वो कम से कम 3 घंटे अवश्य चले। यानी आप अगर 10 बजे बैठ जाते हैं जो लगाकर तो 3 घंटे तक जरूर चलना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दीपक छोटा है, इतना तेल नहीं डाल सकते, तो आप बीच में दोबारा तेल डाल सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी ज्योत 1 बजे से पहले नहीं रुकनी चाहिए। कंबल का लाल आसन ले लें, कमर सीधी करके बैठ जाएं। उस ज्योति का त्राटक करते हुए आप ओम ह्रीम का जप करना है, कम से कम 1 घंटा। तब आप महाकाली का ध्यान करते हुए 2 लौंग ज्योति में अर्पित करें। ध्यान रहे लौंग इस तरह अर्पित होनी चाहिए कि ज्योत उन लौंग को स्वाहा कर दे। इसके अलावा आप कंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी, गुग्गल और पताशे लेकर उनके साथ 2 लौंग आप स्वाहा करेंगे, लेकिन ये स्वाहा आप 12 बजे करेंगे घर पर ही, ये बेस्ट रहेगा। ये क्रिया कोई भी कर सकता है, एक गृहस्थ इंसान भी कर सकता है, घर गृहस्थी वाला आदमी भी कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, आपको ब्रह्मचारी रहना होगा इस क्रिया के दौरान। ये क्रिया आपको इतना स्ट्रांग बना देगी कि स्वयं महाकाली आपकी सुरक्षा करेगी। जहाँ भी आप जाएंगे माता आपके आगे रहेगी, यानी कि हर तरह के संकट शत्रु को पहले महाकाली से टकराना होगा। और ये सब तो हम जानते ही हैं कि इनसे जो टकराएगा वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए बस जैसा बताया है वैसा करें, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें और क्लियर कर लें। जय गुरुदेव।